हेलो फ्रेंड्स, बीसी फ्रेंड्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कुरकुरी और स्वादिष्ट चकरी, जो छोटे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आती है और एकदम नई फ्लेवर के साथ बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करें। बीसी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और ये राइस बटर चकरी बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ये हम देख लेंगे। यहाँ हम लेंगे 250 ग्राम चावल का आटा और इसमें हम मिक्स करेंगे 100 ग्राम मैदा, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 2 टेबलस्पून बटर, 4 टेबलस्पून दही, जीरा पाउडर, तिल और हींग, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले हम आटे में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे। शिका हुआ जीरा पाउडर, हींग, तिल और कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को हम हाथ से मसल लेंगे। कसूरी मेथी डालने से चकरी की फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आती है। हमने अच्छे से पाउडर बना दिया है। आटे में हम रूम टेम्परेचर पर लाया हुआ बटर डालेंगे। 2 टेबलस्पून हमने यहाँ बटर लिया है। 4 टेबलस्पून हमने यहाँ दही डाला है। सभी मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम आटे में पानी डालते जाएंगे और आटा गूंथ लेंगे। हमें एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। यहाँ हमने राइस फ्लोर और मैदा दोनों मिक्स किया है। अगर आप सिर्फ चावल का आटा यूज़ करेंगे तो चकरी अच्छे से नहीं पड़ेगी। चकरी बनाने के लिए हमें यहाँ ऐसा साधन चाहिए जो संचा कहलाता है। उसको चारों तरफ से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस किए हुए संचे में हम इस तरह से आटे को रखेंगे। चकरी बनाने के लिए हमें इस तरह की जाली चाहिए। आटे से पूरा संचा हम भर देंगे और ऊपर से उसका ढक्कन फिट कर देंगे। हम किसी भी प्लेट में, थाली में और प्लास्टिक पर इस तरह से चकली बना लेंगे। धीरे धीरे से हम सारी चकली तैयार कर देंगे। शुरुआत में दिक्कत होगी मगर बाद में अच्छे से चकरी पड़ेगी। इस तरह हम सारी चकली तैयार कर देंगे। जो लास्ट वाला पार्ट है उसे हम चकरी के साथ दबा देंगे, इसलिए क्या होगा कि तलते समय वो अलग नहीं हो जाएगी। हमारी सारी चकली भी तैयार हो चुकी है और हमने तेल भी गरम करने रख दिया है। ऑयल गरम हो चुका है। तवेता और चाकू की मदद से हम इस तरह बड़ी ही सावधानी से हम तेल में सारी चकली एक एक करके रखेंगे। स्लो टू मीडियम गैस पर हमें फ्राई करना है।
एक तरफ से बराबर पक जाए तभी उसे हमें पलटाना है। अगर हम पहले पलटा देंगे तो टूट सकती है। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। बहुत ही बढ़िया दिख रही है। गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है, हम इसे बाहर निकाल लेंगे और बाकी चकरी भी इसी तरह स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से तल लेंगे। हमारी सारी चकरी इसी तरह बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी बिजी ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।